आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी केयर में। चलते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कितनी वर्षीय अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शंस है 12 वर्षीय, 15 वर्षीय, 18 वर्षीय या 20 वर्षीय। तो इसका सही उत्तर है 15 वर्षीय। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके पिता के रूप में मशहूर भारत में जन्मे अमेरिका के भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया है? ऑप्शंस है फाइबर ऑप्टिक, लोहा, हरित क्रांति या स्टील। तो इसका सही उत्तर है फाइबर ऑप्टिक। अगला प्रश्न, महान फुटबॉलर डिएगो मेराडोना का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शंस है 52 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 72 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किस एक्टर को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? ऑप्शंस है विराट कोहली, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार या रणवीर कपूर। तो इसका सही उत्तर है जॉन अब्राहम। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने का बिल पास कर दिया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई सहकार प्रजा पहल का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में अनावरण किया है? ऑप्शन है सांस्कृतिक मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नीति आयोग, योजना आयोग। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ये सभी क्वेश्चंस जो है कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो या फिर आपका यूपीएससी हो, तो इसे ध्यान से देखना और अगर ज़रूरत हो तो कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर लेना। 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मिट्टी दिवस, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों, यानी कि 5 दिसंबर को विश्व भर में विश्व मिट्टी दिवस और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्वर्गीय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारिका डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है श्री आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा या चंद्रशेखर। तो इसका सही उत्तर है श्री आई के गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक हाल ही में आयोजित की गई? मालवीया, सूरीनाम, युगांडा, चीन। तो इसका सही उत्तर है सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हाल ही में बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। होप आप लोगों को आज के करंट अफेयर का सेशन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।